हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज मैं आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा जो मैंने आपको लेक्चर वन में प्रैक्टिस के लिए दिए थे। लेक्चर वन हमारा था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत एवं मापन, और उसके मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ये सुपर 30 सीरीज़ है, इसमें हम फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि एक्स ग्रुप के सिलेबस में हैं उसके हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर वन था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और लेक्चर टू था हमारा काइनेमेटिक्स का। तो लेक्चर वन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। डायमेंशंस ऑफ के रूट आर जी, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, आर इज रेडियस एंड जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी आपको के रूट आर जी की विमाएं निकालनी है, इसके विमीय सूत्र को पता करना है, जहां पर के एक नियतांक है, आर त्रिज्या है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को कैसे पता करते हैं, इसका तरीका मैंने लेक्चर वन में ही बताया है, तो वो वीडियो को जरूर देखिए आप। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पे आप आते हैं इस क्वेश्चन के। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसका सॉल्यूशन किया आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। तो देखिए हमारा पास क्वेश्चन क्या है, के रूट आर जी, के रूट आर जी, आर त्रिज्या है और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए के नियतांक है तो नियतांक की तो कोई विमाएं होती नहीं है, सिर्फ आर और जी की विमाएं होती हैं, तो उनकी विमाएं रख दो बस। आर क्या होता है, दूरी होती है, त्रिज्या, त्रिज्या की विमाएं क्या होती हैं, L1, क्योंकि दूरी है त्रिज्या तो उसकी विमाएं L1 ही होंगी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण की जो विमाएं होती है वही जी की होंगी, L1T-2। अब बस आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो L1 हो जाएंगे L2 एंड T-2 तो पड़ा रहेगा। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास, L1 एंड T-1। एम यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, M0। तो डायमेंशंस ऑफ के रूट आर जी, ओके, के रूट आर जी कितने आ गए, M0 L1 T-1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, M0 L1 T-1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी है। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, अगर आपको उसका तरीका नहीं आता है तो लेक्चर वन देखिए, और अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आया कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, उसके आपको डायमेंशंस पता करने थे। ठीक है, यानी हमने पिछले लेक्चर में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व कहते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। और इसके हमने डायमेंशंस निकाले थे, कितने आए थे डायमेंशंस, M1 L-1 T-2, इसके डायमेंशंस हमने निकाले थे एनर्जी डेंसिटी के, ऊर्जा घनत्व के। और मैंने आपको वर्क दिया था कि भाई आप हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की आप डायमेंशंस पता करके लाना। तो देखिए इसके डायमेंशंस कैसे निकालने हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता, उसके डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले बी के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो बी के डायमेंशंस हम निकालते हैं। बी के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, डायमेंशंस ऑफ बी कितने होते हैं, डायमेंशंस ऑफ बी होते हैं M1 I-1 T-2। कहाँ से आते हैं, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का QVB sin थीटा। यहाँ से हम बी के डायमेंशंस निकाल लेते हैं, B=F/QV sin थीटा। अब F क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स के डायमेंशंस है वही इस मैग्नेटिक फोर्स के होंगे। Q क्या होता है, Q होता है करंट इंटू टाइम, चार्ज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये चार्ज है Q, इसके डायमेंशंस होते हैं I1 T1 एंड V वेलोसिटी है, इसके डायमेंशंस होते हैं L1 T-1। साइन थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो सारे डायमेंशंस रखने के बाद फोर्स के डायमेंशन आप रखोगे M1 L1 T-2, चार्ज के रख दोगे, चार्ज क्या होता है I1 T1,
ठीक है, कई बार A1 भी लिखते हैं I1 को। I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसे अपन एम्पियर में मेजर करते हैं। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार A से भी करते हैं। A1 T1 भी हो सकता है, I1 T1 भी हो सकता है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। V क्या होती है? वेलोसिटी, तो L1 T-1। अब बस आपको कैलकुलेट करना है, L1 से L1 कट गया, ये I1 पड़ा है ऊपर जाएगा, T1 ऊपर जाएगा, तो V के डायमेंशन कितने आ जाएंगे? M1 I-1 T-2, T-2, ओके। तो M1 I-1 T-2, ये किसके डायमेंशन हैं? B के। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट के डायमेंशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में निकाल के बताए थे, तो अगर आपको उसके डायमेंशन का निकालने का मेथड देखना है तो लेक्चर 1 देखिए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके वीडियोस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। M1 L1 I-2 T-2, याद करना बहुत आसान है। M1 L1 तो है ही, I और T दोनों की पावर कितनी है? -2 है। तो ये म्यू नॉट के डायमेंशंस थे, ठीक है। तो म्यू नॉट के डायमेंशंस भी आपको पता है, M1 L1 I-1 I-2 T-2। अब बस आपको फॉर्मूला में रखना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ½ B² / μ0, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हाफ के तो कोई डायमेंशन होते नहीं है, तो बी के डायमेंशन रख दो। बी के डायमेंशन कितने हैं हमारे? M1 I-1 T-2, और उसका स्क्वायर कर दो क्योंकि बी का स्क्वायर है, अपॉन में म्यू नॉट के डायमेंशन रख दो। M1 L1 I-2 T-2, ये डायमेंशन आपने रख दिए। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है, तो स्क्वायर खोल दो पहले। M² I-2 T-4, देख लीजिए यही स्क्वायर खोलेगा। M1 I-1 T-2 का होल स्क्वायर करोगे तो M2 I-2 T-4 हो जाएगा, और नीचे आपके पास म्यू नॉट पड़ा है M1 L1 I-2 T-2। I-2 से I-2 उड़ गया, M1 ऊपर जाएगा तो दो में से एक एक बचेगा, तो M1 बच गया, और क्या बच गया? L1 ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा तो -4 पड़ा रहेगा, तो -4 + 2 कितने होते हैं? -2 होते हैं। तो M1 L-1 T-2, ये किसके डायमेंशन आ गए? मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशन आ गए। बहुत इजी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबका, और सबके डायमेंशन आपको पता होने, सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। और 11th फिजिक्स का ये फर्स्ट ही टॉपिक होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबको लगभग डायमेंशंस निकालने आते ही हैं। और अगर आपको नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का डिटेल में, कैसे मेथड कैसे निकालते हैं उनको, तो उसका अच्छा मेथड आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स के हमने 15 क्वेश्चन किए थे, और नेक्स्ट 15 हमें करने हैं, वो आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन थे हमारे सुपर 30 सीरीज के, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन में डाउट आया था, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज में बताया कि ये क्वेश्चन आप दोबारा से वीडियो में एक्सप्लेन करें, क्योंकि उनको कुछ सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, उसके सॉल्यूशन को समझ में नहीं आया है, तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज के थ्रू बताया है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दिया करें कि कोई अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा था? सबसे पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन को हम शो करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनको इसका सॉल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है? टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। ओके, ए अहेड ऑफ बी, ड्राइवर ऑफ बी एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑर्डर टू ओवरटेक ओवरट्रेक सॉरी यहाँ थ्री स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ओवरटेक है। ओके, इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास ड्राइवर ऑफ ए। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। ओके, ए गाड़ी बी से आगे है, ए बी से आगे है, यहां ध्यान रखना, ए बी से क्या है? आगे है, ये कंडीशन है। अब क्या होता है जब ए बी से आगे है, तो बी क्या करेगी? ए को ओवरटेक करेगी, ठीक है। बी क्या करेगी? ए को ओवरटेक करेगी। जब वो ओवरटेक कर लेगी तो उनके बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, जो वास्तविक दूरी है, वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यानी कि जो 50 सेकेंड के बाद जब बी ए को ओवरटेक कर जाएगी, तब ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ए और बी दोनों ए की दिशा में जा रही हैं, दोनों की चाल समान है, दोनों की रफ्तार समान है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों
जब ए बी से आगे है और बी क्या करना चाहता है, ए को ओवरटेक करना चाहता है, तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करता है, एक्सेलरेट करता है गाड़ी को और ए से आगे निकल जाएगा। कब निकलेगा? 50 सेकंड के बाद। जब 50 सेकंड के बाद जब वो ओवरटेक कर जाएगा, तब उनके बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, वास्तविक दूरी है, उसी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। यहाँ पर क्या है कि दो ट्रेनें हैं, ये ट्रेन हम बना लेते हैं बी ट्रेन है, ये 400 मीटर लंबी है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, और उसी दिशा में ए है, उसी दिशा में क्या है, ए है, उसकी भी लेंथ सेम है 4 मीटर, 400 मीटर, और उसकी भी चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की है। ओके, अभी ए बी से आगे है, पर 50 सेकंड के बाद क्या होता है, आफ्टर 50 सेकंड बी ए से आगे निकल जाएगा, तो ए पीछे रह जाएगा और बी आगे निकल जाता है। बी क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, ये बी है आपका, ठीक है, ये आगे निकल जाता है। अब देखो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ये एस मान लेते हैं, ठीक है, ये एस मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर इसको समझो, पहले इसको अच्छी तरह समझते हैं, एक बार मैं दोबारा से बना लेता हूं अच्छी तरह। यहां पर ये ए है आपका, यहां पर ये क्या हो गया, बी पहुंच गया यहां पर, ठीक है, ये बी पहुंच गया। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, इसको हम एस मान लेते हैं। ओके, इसकी लेंथ कितनी थी, 400, इसकी भी कितनी है बेटा, 400 है। तो अब देखो बी जब 50 सेकंड के बाद जो एक्सेलरेशन है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ओके, बी का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और वो ओवरटेक कर जाएगा। अब जब वो ओवरटेक कर जाता है, उस कंडीशन पे आपको उन दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां पर सबसे पहले देखो, बी जब ए को ओवरटेक करेगा तो वो 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा, और जब वो उसके आगे निकलेगा तो उसको यहां पर एस डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी, और खुद की 400 मीटर की डिस्टेंस है उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो बी कवर करेगा वो टोटल कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक देख लीजिए, एस प्लस 800 टोटल डिस्टेंस बी कवर करेगा, क्योंकि यहां हम ट्रेन को पार्टिकल मानेंगे और ट्रेन का जो इंजन होता है उसी से हम सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेन जो होती है उसको हम एक पार्टिकल माने, तो ट्रेन जो पार्टिकल होती है उसको ये 400 मीटर का पाथ कवर करना है, और जब वो आगे निकलेगी तो ये 400 भी कवर करना पड़ेगा, साथ में ए बी से आगे है तो ये एस डिस्टेंस एक्स्ट्रा भी है, तो टोटल डिस्टेंस जो बी ने कवर की है वो 800 प्लस एस है, तो S+800 ये टोटल डिस्टेंस है, और जो ओरिजिनल डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो कितनी है, एस की है, तो वो एस आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, सेकंड इक्वेशन लगाओ चाहे थर्ड इक्वेशन लगाओ, दोनों इक्वेशन से आंसर आ जाता है। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, S=UT+ 1/2 AT² एंड थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, V²-U²=2AS, उस कंडीशन पे आपको U को 0 मान लेना है। तो हम यहां पर सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, S=, तो S की जगह हम रखेंगे S+800, क्योंकि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो S+800 का है, हाफ यूटी को, UT+ 1/2 AT² होता है ना, तो यू हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेंगे, तो यहां पर हाफ AT² बचेगा ओनली। अब देखिए यहां पर आप सब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, S+800, S हमें कैलकुलेट करना है, हाफ ए कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, T² कितना है, 50 सेकंड के बाद हो रहा है तो 50 का स्क्वायर कर दो। अब बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो देखिए S=50 का स्क्वायर 2500 का, 2500 में 2 का डिवाइड कर दो, 1250, तो 1250 में से 800 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 450 मीटर आपका आंसर आ गया। तो एस ए और बी के बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 450 मीटर। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना था। तो समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि भाई बी ए से आगे निकलेगा तो कैसे निकलेगा, उसको ए की डिस्टेंस कवर करनी है पूरी की पूरी 400 मीटर, और खुद की भी 400 है, और साथ में वो एस डिस्टेंस आगे है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, S+800। यहां पर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, आप ऐसे देख लिया करो कि बी की ये पोजिशन क्या है, बी यहां पर है, ए यहां पर है, तो पूरे पाथ की लेंथ कितनी है, S+800, तो बी ने कितना कवर किया होगा, S+800 ही टोटल कवर किया होगा, और वही डिस्प्लेसमेंट हो गया बी का। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी तरह से, होप आपको समझ में आया होगा।
अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आज का। तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फर्दर वीडियोस आते रहेंगे, हर टॉपिक के हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी टॉपिक हैं उसको हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे टॉपिक के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। और लास्ट जो वीडियो लेक्चर होगा इसका, जब जब पूरे सारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल जितने भी टॉपिक होंगे उसके हम एक 30 क्वेश्चंस का सेट बना देंगे और उसमें आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सीरीज के साथ आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।